हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुडियाल। बिग बॉस 13 में नजर आई बॉलीवुड एक्ट्रेस कोयना मित्रा अक्सर सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर अपना बयान देती रहती हैं। वहीं अब उन्होंने एक बार फिर ट्वीट किया है और AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। हाल ही में ओवैसी ने एक विवादास्पद ट्वीट किया था और उन्होंने एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा था कि मुझे मेरी मस्जिद वापस चाहिए। ओवैसी के इस बयान पर कई लोगों ने उनकी जमकर फटकार लगाई थी। वहीं अब लीजिए, कोयना ने ओवैसी के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि मुझे हमारे 40,000 मंदिर वापस चाहिए। आपको बता दें कि ओवैसी का ये ट्वीट राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जमीन का फैसला रामलला के हक में सुनाया था। वहीं मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने का फैसला भी दिया था। हालांकि इस फैसले से ओवैसी बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो लगातार इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, या यूं कहें कि बार बार इस मुद्दे को हवा देने के लिए अपनी जुबा से जहर उगल रहे हैं। लेकिन कोयना मित्रा ने उन्हें उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। बात करें कोयना मित्रा की, तो कुछ दिनों पहले वो बिग बॉस के घर में नजर आई थी। हालांकि वो कुछ दिनों में ही शो से बाहर हो गई थी। कोयना मित्रा के गेम को लोगों ने खूब पसंद किया था। हालांकि कोयना के घर से बाहर आने से उनके फैंस काफी नाराज थे। वैसे आपको क्या लगता है, ओवैसी के विवादित बयान पर करारा जवाब देकर कोयना मित्रा ने ठीक किया या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।